रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने गुरुवार को कीव में निर्णय लेने वाले केंद्रों पर रूस की नई हाइपरसोनिक मिसाइल से हमले की धमकी दी। इस धमकी के कुछ घंटे बाद ही रूस ने यूक्रेन के ऊर्जा ग्रिड पर हमला किया, जिससे 10 लाख लोग बिजली से वंचित हो गए। इसके साथ ही कीव ने बताया कि रूस में बमबारी के दौरान 90 से ज्यादा मिसाइलें और लगभग 100 ड्रोन दागे। बता दें कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने इसे पश्चिमी मिसाइलों के साथ यूक्रेनी हमलों का प्रतिक्रिया कहा। लगभग 3 साल से चल रहे युद्ध में हाल के दिनों में तनाव बढ़ा है, जिसमें दोनों पक्ष नए हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं। पुतिन ने कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम कीव समेत सैन्य और निर्णय लेने वाले केंद्रों के खिलाफ हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल करने से इनकार नहीं करते। रूस ने पिछले सप्ताह अपनी नई ओरेशनिक बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया और पुतिन ने दावा किया कि एक साथ कई मिसाइलें दागने से परमाणु हमले जैसा प्रभाव हो सकता है। उन्होंने कहा कि रूस को पूरी जानकारी है कि कीव को कितने लंबे दूरी के हथियार दिए गए हैं और वे कहां स्थित हैं। पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने पुतिन की धमकी को कमजोरी का संकेत बताया और कहा कि पश्चिम इस पर परेशान नहीं होगा। ये ताज़ा हमला ऐसे समय में हुआ है जब यूक्रेन के लोग सर्दियों के लिए तैयार हो रहे हैं, क्योंकि युद्ध के कारण उनका ऊर्जा बुनियादी ढांचा पहले ही काफी क्षतिग्रस्त हो चुका है। रूस के सैनिक पूर्वी यूक्रेन में भी आगे बढ़ रहे हैं। पुतिन ने यह भी कहा कि उन्हें उम्मीद है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल से कुछ समाधान मिलेगा, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि वे किस बात की बात कर रहे हैं। रूस के हमले के कारण यूक्रेन के पश्चिमी ल्विव क्षेत्र में 5 लाख लोग बिजली से वंचित हो गए, जबकि रिवनी और वॉलिन क्षेत्र में भी लाखों लोग अंधेरे में डूब गए। यूक्रेन की आपातकालीन सेवाओं के मुताबिक रात भर के हमले ने 14 क्षेत्रों को प्रभावित किया। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने गुरुवार को रूस की नई हाइपरसोनिक मिसाइल के साथ कीव में निर्णय लेने वाले केंद्रों पर हमला करने की धमकी के कुछ घंटे बाद मॉस्को ने एक हमले में यूक्रेन की ऊर्जा ग्रिड को नष्ट कर दिया, जिससे 10 लाख लोग बिजली से वंचित हुए। बता दें कि लगभग 3 साल से चल रहे युद्ध में हाल के दिनों में और तेजी देखी गई है। अमेरिका में जनवरी में डोनाल्ड ट्रंप के पदभार संभालने से पहले यूक्रेन ने पश्चिमी देशों से नए हथियार हासिल किए हैं, साथ ही उसने पहली बार विदेशी हथियारों से रूस को निशाना बनाया है। इसके बाद से दोनों पक्षों ने नए हथियार तैनात किए हैं। पुतिन ने हाइपरसोनिक मिसाइल का जिक्र करते हुए कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि हम कीव सहित सैन्य औद्योगिक या निर्णय लेने वाले केंद्रों के खिलाफ ओरेशनिक के इस्तेमाल से इनकार नहीं करते हैं। रूस के साथ साथ लगभग 3 साल से जारी युद्ध के दौरान यूक्रेन का करीब आधा ऊर्जा बुनियादी ढांचा नष्ट हो गया है और बिजली की आपूर्ति में लगातार कटौती आम बात है। यूक्रेन के पश्चिमी सहयोगियों ने वायु रक्षा प्रणालियों और पूर्ण निर्माण के लिए धन के साथ यूक्रेन को बिजली उत्पादन की रक्षा करने में मदद करने की मांग की है। कीव, खार्किव, रिवने, लुत्सक समेत मध्य और पश्चिमी यूक्रेन के कई शहरों में धमाके होने की जानकारी मिली है। 2 सप्ताह से भी कम समय में यूक्रेन के ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर रूस के दूसरे बड़े हवाई हमले से ये आशंकाएं बढ़ गई हैं। और रूस का इरादा सर्दी से पहले यूक्रेन की ऊर्जा उत्पाद क्षमता को तहस नहस करना है। यूक्रेन के ऊर्जा मंत्री हरमन हालुशेंको ने फेसबुक पर एक पोस्ट में कहा कि पूरे यूक्रेन में ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर हमले हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि पूरे देश में बिजली आपूर्ति बंद की जा रही है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।